दोस्तों नमस्कार। जितने भी दोस्त अभी योनो SBI को लॉगिन कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह का एरर आता है, तो चलिए हम आपको लाइव करके ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए योनो SBI को हम ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलता है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है अपना MPIN डालेंगे, तो चलिए लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम MPIN अपना डालेंगे। तो जैसे ही हम डालते हैं देखिए कुछ इस तरह का एरर आता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉरी इट सेम यू आर नॉट यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एप्स, प्लीज डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर स्मूथ एंड बेटर एक्सपीरियंस। यानी कि इसके कहने का यह मतलब है आप प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए, या नहीं तो इस एप्लीकेशन को योनो SBI को अनइंस्टॉल करके फिर से दोबारा इंस्टॉल कर लें। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर आएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे योनो SBI, और टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए अपडेट मांग रहा है। अगर आपके फ़ोन में अपडेट मांग रहा है तो आप अपडेट कर लीजिएगा, अगर आपके फ़ोन में अपडेट नहीं मांग रहा है तो आप इस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, अनइंस्टॉल करके उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे फ़ोन में जो है अपडेट मांग रहा है, तो चलिए हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा एप्लीकेशन अपडेट हो रहा है। दोस्तों कुछ ना कुछ टेक्निकल अपडेट होते रहते हैं, इसी कारण से यहाँ पे अपडेट दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरा योनो SBI जो है अपडेट लगभग में हो चुका है। तो जैसे ही अपडेट होते हैं मैं आपको लाइव करके ही बताऊँगा क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक कर देंगे, और ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव मेरे सामने में। तो चलिए यहाँ पे खुल चुका है, और लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे और फिर से जो हम MPIN बनाए थे वही MPIN को इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम MPIN इंटर कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे बदल चुका है, यानी कि जो आप अपडेट करेंगे वो नया वर्जन आ जाएगा, यानी कि पुराना वर्जन आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और डिपॉजिट मनी विदाउट यूजिंग एन ATM कार्ड। तो यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इंस्टेंट आंसर्स टू योर क्वेरीज, तो जो भी मेन्यू है यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलिए हम आपको एक बार फिर से लॉगिन करके दिखाते हैं। फिर से एक बार इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे होम पेज से आके दिखाते हैं। योनो SBI पे फिर से हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर से वही इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना MPIN डाल देंगे। तो MPIN इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, आप प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। तो आप यहाँ से बहुत इजी तरीके से जो भी पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या बैलेंस चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपको समय समय पे इसी चैनल पे SBI की रिकॉर्डिंग अपडेट देता रहता हूँ। जो भी चाहे छोटी अपडेट होता है चाहे बड़े अपडेट होता है, तो मैं आपको समय समय पे देते रहता हूँ। तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।